सोलन को नगर निगम घोषित कर दिया गया है। जल्द ही नगर निगम के चुनाव होंगे और उसके बाद सोलन विकास के नई इबारत लिखने को तैयार होगा। नगर निगम के चुनाव जनवरी में हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इन चुनावों के लिए जहां एक और कुछ नेताओं ने बिसात बिछाने आरंभ कर दी है, वहीं शहरवासियों को भी काफी उम्मीदें हैं कि नगर निगम बनने से उनकी कई समस्याओं का हल होगा। जब शहरवासियों से इस बारे में पूछा गया कि वे नगर निगम बनने के बाद क्या उम्मीदें रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद में हमेशा फंड की कमी रहती थी और कर्मचारियों की कमी के चलते विकास कार्य भी ठीक से नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें आशा है कि इन सभी बातों से शहरवासियों को निजात मिलेगी। अधिक जानकारी देते हुए शहरवासी ने कहा कि नगर निगम में वे चाहते हैं कि उनके शहर की सड़कें जो बदतर हालत में है वे बेहतर हों। रात को कई वार्ड अंधेरे में डूबे रहते हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट का उचित प्रबंध होना चाहिए। पानी की सोलन शहर में भारी किल्लत रहती है, पानी की कमी को दूर करने के लिए नगर निगम में उचित प्रबंध करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सोलन के पार्कों की हालत बेहद दयनीय है, वहां की व्यवस्था सुधारने के लिए कार्य करने होंगे ताकि शहरवासियों को किसी भी तरह की दिक्कतें न हो। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में भी वे टैक्स देते थे और नगर निगम में भी वे टैक्स देंगे, लेकिन उसकी एप्स में जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं। लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि नगर निगम की नई व्यवस्था में उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। नाम विशान ठाकुर है और मैं एक व्यापारी हूं, यहां का एक छोटा सा व्यापारी हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि सोलन नगर निगम घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ थोड़ा हमें लगता है कि हमारा टैक्स भी बढ़ेगा, तो हम चाहते हैं कि इस शहर की इसमें डेवलपमेंट हो, पानी की समस्या ना रहे, लोगों को, आम जनता को बिजली की समस्या ना रहे। जैसे हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ पे बिजली बहुत जाती है, कट बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसमें उसे कुछ हमें निजात मिले, क्योंकि बहुत समस्या होती है, एक व्यापारी को तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है जब बिजली जाती है। बाकी हम चाहते हैं पार्क वगैरह हमारे साफ़ सफाई का इनका ध्यान रखा जाए। अगर नगर निगम आता है, हमारा टैक्स बढ़ता है, तो इसमें पार्कों की मेंटेनेंस, बुज़ुर्ग लोग हमारे वहाँ पे जाते हैं, साफ़ सफाई में बहुत हमें देखने को मिलता है कि बहुत हर जगह गंदगी मिलती है, उसमें थोड़ा सा हमें उसमें निजात मिले लोगों को। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह थोड़ी सी और लगाई जाए, रात के टाइम में कोई स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होती हैं। और बाकी हम चाहते हैं कि लोग शिमला से शॉपिंग करने सोलन आए, इसलिए नगर निगम में हमें सारी सुविधाएं मिलें और आम जनता को भी कोई दिक्कत ना आए, नालियों नूलियों में सारी कवर की जाएं, जैसे माल रोड पे भी पीछे दिन नालियां बनी थी, ऐसे पूरे शहर में बने। बस यही हम चाहते हैं कि नगर निगम बना है तो फिर लोग इसमें तरक्की हो, इसमें डेवलपमेंट हो, और लोगों को बाज़ार घूमने का भी कुछ अलग सा आनंद आए। और बाकी जो मेन व्यापारियों की समस्या है, कूड़े की समस्या है, कूड़े की गाड़ियां बहुत कम आती हैं, वो अपना कूड़ा बाहर रख देते हैं, बाहर वो कुत्ते सारा गिरा देते हैं, फिर उनको और समस्या होती है। तो इस तरह हम चाहते हैं कि या तो डस्टबिन रखे जाएं कहीं पे, डस्टबिन फिर ऐसा कि वहाँ डस्टबिन से एक जगह, अब दुकान से कूड़ा लेके दौड़ना पड़ता है, एक दो मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है सिर्फ, कभी आपकी दुकान के कई बार पता भी नहीं चलता कब खड़ी हुई कब नहीं हुई, तो इस समस्या पर भी थोड़ा सा देखा जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाकी सबको बधाई हो। कोई कहा कि हम टैक्स बढ़ेगा हमारा, तो हमें सुविधाएं भी नगर निगम में सुविधाएं भी बढ़ानी होंगी, क्योंकि हमें चाहिए बिजली की समस्या ना हो, पानी की ना हो, सड़कों की ना हो, स्ट्रीट लाइट्स की ना हो, पार्क की ना हो, हमें कूड़ा फेंकने में दिक्कत ना आए। कि नगर निगम बनने के पश्चात सरकार नगर निगम को बहुत अधिक फंड्स प्रोवाइड करती है, और वो उन फंड्स को यदि नगर निगम के कर्मचारी या कार्यकर्ता या अधिकारी ठीक प्रकार से उपयोग में लाएं, तो आम जनता के ऊपर टैक्सेस का भार जो है काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो नगर परिषद में है वो फंड्स का मिसयूज़ ही हो रहा है। उदाहरण के तौर पर पानी आ रहा है, सड़क पे बह रहा है, रिपेयर हो रही है, कहीं महीने के बाद टूट रही है। नगर निगम बनने से अधिकारीगण जो हैं उच्च स्तर के यहाँ पर विराजमान होंगे, उनकी देख रेख में जो कार्य होगा वह ठीक होगा, और ऐसा आशा करते हैं कि जो सरकार टैक्स लगाएगी आम जनता के ऊपर वो कुछ सीमा के तहत ही लगाएगी। सुविधाएं देखो ये हैं कि जो सफाई की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, ये तो मूलभूत आवश्यकता है ही। इसके अतिरिक्त जो शहर में गंदगी फैलती है और लोग आकर फैलाते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन जो है वो लगे। देखिए सर, मैं जो हूँ यहाँ सोलन का निवासी हूँ,
और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हम आने वाले समय में, आज सोलन नगर निगम बन चुका है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे को प्रॉपर तरीके से मिले। जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, उसे पे करते हैं, तो हम अपनी मनपसंदीदा चीज़ कुछ भी खरीद सकते हैं। और हम ऐसा ही चाहते हैं कि आने वाले समय में जो हम टैक्स पे कर रहे हैं हर चीज़ का, तो हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपरली ढंग से पानी, बिजली और इन सब चीज़ों की सुविधा जो है प्रॉपर तरीके से मिलती रहे।